नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्टार राइड्स पर। सामने खड़ी है टाटा इंट्रा V20 AC गोल्ड, जो कि कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके गाइज, तो ये चेक करो गाड़ी का फ्रंट लुक, काफी बेहतर, काफी शानदार गाड़ी का लुक है, जो कि आप देख सकते हो व्हाइट कलर में काफी शानदार चमक रही है। सामने आपको मिल जाते हैं काफी बड़ी विंडशील्ड, और इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको डबल वाइपर मिलने वाले हैं डबल वॉशर जेट के साथ में। और गाइज पिकअप सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो कि बाई फ्यूल ऑप्शन के साथ में आती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो CNG प्लस पेट्रोल के साथ में ये गाड़ी आती है। और गाड़ी की स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्योंकि गाड़ी कॉमर्शियल में आती है। नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पर आपको इंट्रा पिकअप की बेजिंग मिलती है क्रोम में, और सेंटर में दिया गया है टाटा का ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में सिग्नेचर लोगो। और इस साइड देखें तो V20 की यहाँ पर आपको बेजिंग मिलती है, और गाड़ी ऐसे है तो यहाँ पर आपको AC का बेजिंग मिलता है। और ये चेक करो गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक, काफी शानदार लुक है, और गाड़ी को और भी खूबसूरत बनाता है ये क्रोम वर्क, जो कि आप देख सकते हो काफी बड़ी साइज में है। और नीचे आपको मिलती है सिल्वर फिनिश में ग्रिल, नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस सेंटर में, और साइड में आपको मिलती है रिफ्लेक्टेड टेप, और यहाँ पर दिया गया है आपको फॉग लैंप लगाने के लिए स्पेस, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। और ऊपर आपको मिलता है रिफ्लेक्टर, और नीचे आपको मिलता है क्रोम का ये वर्क। और साथ ही बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट सेटअप की, तो यहाँ पर आपको फुली हेलोजन हेडलाइट मिलता है, ऊपर आपको मिलता है हेलोजन में ही टर्न इंडिकेटर, जो कि दिखने में बहुत ही शानदार लगता है और काफी अच्छा थ्रो रहता है इस लाइट का। और ये चेक करो गाड़ी का लुक भाई, क्या शानदार लगती है, मुझे तो काफी बेहतर लगती है। और ये इंस्पायर है टाटा की प्राइमा ट्रक से, जो कि टाटा के सबसे महंगे और प्रीमियम ट्रक हैं। और चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर, तो ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। पहले के कंपेयर में आपको ज्यादा बड़ा डाला मिलता है, और साथ ही ज्यादा बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और इन सबको बढ़ाकर इसका नाम रखा है गोल्ड, जो कि पहले नहीं आता था। गोल्ड के साथ में CNG का बेजिंग मिलता है यहाँ पर, और ऐसे कुछ यहाँ पर आपको मैनुअली आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं, और काफी स्टाइलिश और काफी स्मूथ यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलने वाले हैं। और ऐसे कुछ यहाँ पर आपको गाड़ी की चाबी मिल जाती है, डबल आपको चाबी मिलती है। और गाइस सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको छोटा सा टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। बात करें गाड़ी के टायर साइज के, तो यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर मिलने वाले हैं, इनकी साइज है 155R14, और ये MRF कंपनी के टायर हैं। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलने वाले हैं। और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 175 mm का, काफी ऊंची है जमीन से, तो उबड़ खबड़ रस्तों पर आराम से गाड़ी चला सकते हो बिना किसी परेशानी के। और इतना कुछ आपको लोडिंग एरिया मिलने वाला है। लंबाई की बात करें तो इसकी डाले की लंबाई रहने वाली है 8 फीट 9 इंच, और गाड़ी की चौड़ाई रहने वाली है 5 फीट 3 इंच। तो दोस्तों काफी लंबा चौड़ा आपको डाला मिल जाता है, और इतने बड़े डाले पर आप लोड कर सकते हो 12 क्विंटल, 1200 किलो गाड़ी की पासिंग आती है। हालांकि अगर आप 2 टन भी भरते हो, 2.5 टन भी भरते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और गाड़ी का ग्रॉस व्हीकल वेट है 2550 kg, मतलब 2.5 टन से ऊपर इसका गाड़ी का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। और गाड़ी का व्हील बेस है 2450 mm का, तो दोस्तों काफी लंबी चौड़ी और अच्छा खासा गाड़ी का व्हील बेस है। और ये है गाड़ी का इंजन, जो कि सीट के नीचे आता है। और कुछ भी सामान वगैरह भरते हो तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये प्लेट दी गई है। और ये है गाड़ी का एयर इनटेक, काफी बड़ी और काफी चौड़ी इसकी पाइप है, और आराम से गाड़ी हवा ले सकती है। और अच्छा खासा गैप है यहाँ पर, तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हवा लेने में। और यहाँ पर आपको एक फिक्स ग्लास मिलता है। और बात करें गाड़ी के इंजन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंजन मिलता है 1200 cc का, मतलब 1199 cc का आपको डायरेक्ट इंजेक्शन CNG इंजन मिलता है। और इसमें 3 सिलेंडर का इंजन आता है, 4 सिलेंडर का इंजन नहीं आता है। और बात करते हैं पावर की, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल पर पावर मिलेगी 57 HP की, 57 horsepower की आपको पावर मिलती है पेट्रोल पर। और अगर आप CNG पर चलाते हो तो यहाँ पर आपको पावर मिलेगी 52 HP की। तो दोस्तों पावर आपको थोड़ी कम मिलेगी CNG में। और वहीं गाड़ी से आपको टॉर्क मिलेगा पेट्रोल पर 108 Nm का, और CNG से आपको टॉर्क मिलेगा 96 Nm का, 96 Nm का टॉर्क मिलेगा CNG पर, और 108 Nm का आपको टॉर्क मिलता है पेट्रोल पर। और गाड़ी को CNG पर चलाते हो
हो तो उससे आपको माइलेज मिलेगा 24 से 25 किलोमीटर प्रति केजी का, और अगर आप पेट्रोल पर चलाते हो तो पेट्रोल पर आपको माइलेज मिलेगा 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर का। तो दोस्तों काफ़ी बेहतर गाड़ी का माइलेज है। और यहाँ पर दिया गया है इसका एयर फिल्टर, तो टाइम टाइम पर इसको क्लीन करें। और पास ही दिया गया है इसका सीएनजी सिलेंडर। टोटल इसमें आपको 3 सिलेंडर मिलते हैं सीएनजी के, एक इस साइड लगा हुआ है, एक उस साइड लगा हुआ है और एक सेंटर में दिया गया है, चूंकि आपको नजर आ रहा होगा सेंटर में। और सीएनजी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सिलेंडर मिलता है 45 लीटर का, दूसरा मिलता है 35 लीटर का और तीसरा मिलता है 30 लीटर का। टोटल कैपेसिटी बन जाती है 110 लीटर की। और इन तीनों ही सिलेंडर में आपकी गैस आ जाएगी लगभग 13 से 14 किलोग्राम। और साथ ही इमरजेंसी के लिए यहाँ पर आपको 5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो तो 35 लीटर की कैपेसिटी के साथ में भी ले सकते हो, पेट्रोल टैंक आता है 35 लीटर का उसमें। तो दोनों ही तरह के आपको ऑप्शन दिए गए हैं टाटा मोटर्स द्वारा। और यह है गाड़ी का पीछे का टायर जो कि MRF कंपनी का है। और यह है गाड़ी का पीछे का सस्पेंशन, सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन, पट्टे कमानी का सस्पेंशन है। और ये चेक करो गाड़ी का पीछे का लुक, यहाँ पर आपको इंट्रा की बेजिंग मिलते हैं जो काफ़ी शानदार लगते हैं क्रोम में, इंट्रा पिकअप की बेजिंग है। और पास से आपको सीएनजी का स्टिकर मिलता है, बीचों बीच टाटा की इम्बोजिंग मिलती है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आपको सेफ्टी लिए 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलने वाला है। और नीचे आपको मिलता है इसका स्पेयर व्हील, तो इसको बिना किसी परेशानी का आराम से निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। और यहाँ पर आपको काफी शानदार काफी खूबसूरत टेल लैंप मिल जाते हैं। और ये पूरा LED सेटअप है। अगर आप इसमें नीचे वाला वेरिएंट लेते हो बिना AC का तो यहाँ पर आपको हेलोजन में ही टेल लैंप मिलते हैं। और यहाँ से भरा सकते हो आप CNG और पेट्रोल। और यहाँ पर गैस भी चेक कर सकते हो कितना प्रेशर है जो। और जहाँ से आप CNG भरवाओगे वहाँ पर नोजल लगी हुई है, अगर उसको बाहर निकाल देते हो तो गाड़ी चालू नहीं होगी। और यहाँ पर दिया गया है 5 लीटर का पेट्रोल टैंक, अगर आप लेना चाहो तो 35 लीटर की कैपेसिटी के साथ में ले सकते हो पेट्रोल टैंक। और गाड़ी के इस साइड लगी हुई है एक साइड की बैटरी, और ऊपर आपको मिलता है इसका वाइपर के लिए पानी डालने के लिए नोजल, और यहाँ पर आप डाल सकते हो कूलेंट क्योंकि गाड़ी के अंदर बोनेट नहीं आता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को सेट किया गया है। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात करते हैं बाकी के चीज़ों की। लेट्स गो, चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। तो ये चेक करो गाड़ी का पूरा डोर पैनल, यहाँ पर आपको टाटा की बेजिंग मिल जाती है। और साथ ही मैनुअली अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर मिल जाता है, यहाँ पर दिया गया है इसका ग्रैप हैंडल, और यहाँ से आप कर सकते हो डोर को ओपन और लॉक। और एक खास चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है 1 लीटर की बोतल होल्डर जो काफ़ी शानदार चीज़ है। और यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल स्पीकर, और एक स्पीकर आपको उस डोर पर भी मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डबल स्पीकर मिल जाते हैं, और साथ ही कंफर्टेबल फिटेड आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है। और दोस्तों ये चेक करो गाड़ी के सीट, काफी कंफर्टेबल आपको सीट मिल जाती है जो कि फैब्रिक की है, और इसको कर सकते हो आप रिक्लाइन और आगे पीछे। तो दोस्तों अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही नीचे आपको मिलता है इसका इंजन, तो इसको खोलकर आप इंजन को देख सकते हो। और यहाँ पर दिया गया है लाइट लेवल अप बटन, खाली स्विच, और यहाँ पर आपको मिलता है CNG से पेट्रोल करने के लिए स्विच, हालांकि गाड़ी डायरेक्टली CNG पर चालू हो जाती है। और गाइस अब लेकर चलते हैं आपको गाड़ी के इंटीरियर में। तो दोस्तों ये चेक करो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील फोर स्कोप के साथ में, बीचों बीच आपको टाटा का लोगो मिल जाता है सिंगल हॉर्न के साथ में, और काफी शानदार आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, फुली इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है ये। और यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है जो कि काफी शानदार लगता है दिखने में, जिसमें आपको गियर शिफ्ट एडवाइजर जैसे काफी शानदार फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रिप ए बटन, CNG गियर्स व पेट्रोल गियर्स, सारी आपको जानकारी मिलती रहेगी इसमें। और स्टीयरिंग के पास से आपको मिलते हैं सारे लाइट्स के कंट्रोल, इस साइड आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल। और दोस्तों कसम से स्टीयरिंग व्हील बहुत ही स्मूथ है, और साथ ही ऊपर आपको मिलता है ग्रैप हैंडल, और धूप से बचने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल सन वाइजर टिकट होल्डर के साथ में। और दोस्तों ये चेक करो गाड़ी का पूरा इंटीरियर, काफी शानदार आपको डैशबोर्ड मिल जाता है, और मेरे हिसाब से इसके कंपेयर में कोई भी गाड़ी नहीं होगी जो कि इतनी लग्जरी टाइप आती है इस सेगमेंट की। और बात करें गियर बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको 5 गियर मिलते हैं एक रिवर्स के साथ में, और ये गियर लीवर पूरा डैशबोर्ड माउंट है, तो पूरा केबिन वर्क थ्रू केबिन बन जाता है, अच्छा खासा स्पेस बन जाता है। और यहाँ पर आपको 4 AC के ब्लोअर मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश के साथ में, और यहाँ पर दिए गए हैं AC के कंट्रोल, और AC के साथ में इसमें आपको हीटर भी मिल जाता है, तो ठंडी में आप गर्म हवा भी ले सकते हो और गर्म में ठंडी हवा। और ये चेक करो गाड़ी का पूरा इंटीरियर, पूरा वर्क थ्रू केबिन है, अच्छा खासा स्पेस है पूरी गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको लोकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, और साथ ही 5 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर। और दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर विजिबिलिटी इतनी सही नहीं है, गाड़ी अंधेरे में खड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको टाटा का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, और साथ ही दोनों डोर पर आपको स्पीकर मिल जाते हैं, तो दोस्तों अच्छी खासी इसकी साउंड क्वालिटी है। और यहाँ पर आपको ऐसी कुछ पूरी गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, ड्राइवर के साथ में एक बंदा बैठ सकता है, और बीच में आपको और स्पेस मिल जाता है जिस पर आप खाना वगैरह खा सकते हो, सो भी सकते हो अगर आप अकेले हो तो। और काफ़ी अच्छा खासा पूरा वर्क थ्रू केबिन है, अच्छा खासा स्पेस है केबिन में। और यहाँ पर दिया गया है इसका हैंड ब्रेक। और दोस्तों गाड़ी का सामने वाला लुक, पीछे का लुक, गाड़ी का इंटीरियर, हर प्रकार से गाड़ी काफ़ी शानदार लगती है दिखने में, और काफ़ी अच्छी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी है। और ये चेक करो गाड़ी का पूरा इंटीरियर, और दोस्तों टाटा मोटर्स के भरोसे के साथ में इसमें आपको वारंटी
मिल जाती है 2 साल की या फिर 72,000 किलोमीटर की। और दोस्तों इस गाड़ी को आप खरीद कर बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मार्केट में होया गया कपड़ा, कंस्ट्रक्शन, रिटेल मार्केटिंग, कुरियर, पार्सल, वह गाड़ी के कई सारे यूज हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, अगर आप गाड़ी को चलाना चाहते हो लोकल भाड़े के लिए, फुल ओवरलोड के लिए, अनटेंशन गाड़ी को चलाना चाहते हो, तो दोस्तों इस गाड़ी को मत लेना। लेना हो तो डीजल वाली लेना, डीजल कोई सी भी ले सकते हो, जैसे टाटा इंट्रा V50, V70 कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो, लेकिन CNG वाली मत लेना क्योंकि इतनी पावरफुल नहीं होती हैं। अगर आप लेना चाहते हो अंडर लोड चलाना चाहते हो, जैसे कुरकुरे वगैरह जिसमें जगह ज़्यादा चाहिए होती है और लोड कम बनता है, तो उसके लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। फिर आपकी सोच, आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों कीमत के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसकी कीमत अभी तक रिवील नहीं हुई है, केवल शोरूम पर ही आई है। और अगर आपको ज़्यादा कीमत के बारे में जानकारी चाहिए तो आप टाटा के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो जो कि नीचे दिए गए हैं। और दोस्तों आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के कॉमर्शियल व्हीकल के वीडियोज हमेशा मिलते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटी को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मैं मिलता आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।